Hello friends and welcome back to my channel. So friends, in today's video, we are going to revise the chapter The Diary of a Young Girl of class eight, which is an autobiography by a young girl Annie Frank, in which she writes the diary. And that pages of the diary, the extract from the diary is given to us in this chapter. So this is the part two of this chapter. And if you want the video for the part one of this chapter, The Diary of a Young Girl, then I have given the link of that video in the description box. So please go and check it out if you haven't watched that video. स्टार्ट विद द चैप्टर सो आज हमें यहाँ से शुरू करना है जहाँ पे एनी फ्रेंक सनडे जून टू नाइनटीन फोर्टी टू को अपनी डायरी में लिखती है सो शी स्टार्ट विद डियरेस्ट किटी किटी यानी कि एनी फ्रेंक की डायरी का जो नेम था वो क्या था किटी सो so वो शुर, अब शुरू करते हैं यहाँ से पटना सो आई एंटायर क्लासेज क्विकिंग नीट्स बूथ्स द रीजन ऑफ कोर्स इज द अपकमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु प्रोमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड एंड हु कैट बैक सो एनी फ्रेंड बताती हैं कि उनकी जो पूरी क्लास है दैट इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स क्वेकिंग इन इट्स बूट्स यानी कि बहुत ही ज्यादा हरिडनेस में होना बिकॉज ऑफ द नर्वसनेस एंड बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग होना यानी कि बहुत ही ज्यादा डर जाना किसी भी चीज़ को लेकर तो so, पूरी जो क्लास है उसमें सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और नर्वस हैं और उसके पीछे का रीज़न क्या है क्यों सारे बच्चे डरे हुए हैं उसके पीछे का रीज़न यही है कि कुछ ही दिनों में टीचर्स जो हैं वो रिज़ल्ट दिखा देंगी यानी कि रिज़ल्ट पता चल जाएगा सभी बच्चों को कि कौन जो है अगले क्लास में चला जाएगा और कौन नहीं जाएगा यानी कि जिसके अच्छे ग्रेड आए हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा लेकिन जिसके गंदे ग्रेड आए हैं अच्छे ग्रेड नहीं आए हैं वो पिछली क्लास में ही रह जाएगा नाउ हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेस्ट सो so, वो एनी फ्रेंड कहते हैं कि आधी आधी जो क्लास है आधे जो बच्चे हैं वो बेट्स लगा रहे हैं शर्तें लगा रहे हैं कि कौन अगली क्लास में चला जाएगा कौन नहीं जाएगा सो so, जीजे एंड आई लव आवर सेल्फ सिक एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस सी एन एंड जैक्स को नोट हु हैव स्टेज देयर एंटायर वैक सेविंग्स ऑन देयर बेट सो so, बच्चे जो हैं वो बेट्स लगा रहे हैं जिसमें से दो बॉयज़ के बारे में एनी फ्रेंड बता दी हैं कि एनी फ्रेंड जो है दो बॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हंस रही थी क्योंकि वो जो बॉयज थे उनकी क्लास में वो बेट्स लगा रहे थे कि कौन जो है अगली क्लास में जाएगा यानी और जिसके लिए उन्होंने अपने पास जितने भी पैसे थे जितने भी पॉकेट मनी थी जितनी भी सेविंग्स थी वो सारी उन्होंने अपनी बेट्स में ही लगा दी थी तो इसलिए वो पागलों जैसे काम कर रहे थे इसलिए एनी फ्रेंड्स उस पर उन पर हंस रही थी सो नाउ फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स योर गोइंग टू पास नो आई एम नॉट येस यू आर नो आई एम नॉट सो पूरे दिन जब दिन रात पूरी क्लास में यही चलता रहता था कि तुम अगली क्लास में चले जाओगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा यानी कि बच्चे जो हैं ग्रेट बैट्स लगा रहे थे कि कौन अगली क्लास में जाएगा कौन नहीं जाएगा Even जीज pleading glances, and my angry outbursts can't calm them down. अब एनी फ्रेंड बताती है कि बच्चे जो हैं इतने ज़्यादा बेड्स लगाने में बिजी हो जाते हैं इतना नॉइज मचा रहे होते हैं कि वो जो है मॉनिटर के क्लास को शांत कराने पे भी नहीं होते साथ में अगर उन्हें कोई गुस्से भरी आंखों से देख रहा है तो भी वो बिल्कुल भी शांत नहीं होती थी और अपने ही ऐसे शोर मचाते रहते थे और बेट्स लगाते रहते थे ना इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डेमीज दैट अबाउट यो क्वाटर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएटर्स ऑन द earth सो एनी फ्रेंड बताते हैं कि unki क्लास में आ, सारे बच्चे डमीज़ हैं यानी कि बिल्कुल नलायक बच्चे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता है और ऐसे बच्चे कितने वन फोर्थ ऑफ द क्लास मतलब अगर वन फोर्थ ऑफ़ द क्लास को हम डमीज़ हैं उनकी क्लास में नलायक बच्चे हैं कि वन फोर्थ ऑफ द क्लास को पीछे ही रख देना चाहिए और बाकी के जो बच्चे हैं सिर्फ उन्हें ही नेक्स्ट क्लास में भेजना चाहिए लेकिन अभी कंट्रेर में यानी कि कंट्रास्ट में यानी फ्रेंड ये भी कहती है कि टीचर्स जो है बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है यानी कि टीचर्स क्या सोचते कुछ हो रहे हैं करते कुछ करते कुछ हो रहे हैं तो इसलिए उनका जो अगला स्टेप है वो कोई भी पता नहीं लगा सकता है तो इसलिए अभी जो है कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन अगली क्लास में जाएगा या फिर नहीं जाएगा क्योंकि अगर कोई भी पास होने वाला वो भी फेल हो सकता है कोई भी फेल होने वाला हो वो भी पास हो सकता है तो इसलिए वो कहती है कि टीचर्स जो है अनप्रडिक्टेबल है उनका कुछ पता नहीं होता कि वो आगे क्या करने वाले हैं सो ना मे बी दिस टाइम देर डी अनप्रडिक्टेबल इन द राइट डायरेक्शन फॉर अ चेंज बट आई एम नॉट सो इड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ तो एनी फ्रेंड कहती है कि क्या पता है कि बार किस डायरेक्शन में जो है यानी कि जो टीचर्स के जो डिसीजन है वो अच्छे जाएंगे या फिर बुरे जाएंगे स्ट्रिक्ट चेकिंग हो या नहीं बट एनी फ्रेंड कहती है कि मुझे अपनी गर्ल फ्रेंड्स यानी कि मेरी जो फ्रेंड्स हैं क्लासमेट्स हैं जो मेरी एनी फ्रेंड की फ्रेंड्स हैं और मेरे बारे में उनके अपने बारे में तो वो कहती है मेरे और मेरी फ्रेंड्स के बारे में मैं श्योर हूँ कि हम जो आएंगे क्लास में चले जाएंगे इसलिए मुझे इतने ज़्यादा नर्वसनेस और मैं डरी हुई नहीं हूँ Now we'll make it the only subject I'm not sure about is math. Anyway, we can all do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. So Annie Frank यहाँ पर कहती है कि हम जो है सारे subjects में कर लूँगी मैं आराम से अच्छी grades ले आऊँगी। लेकिन एक ऐसा subject है जिसमें मैं sure नहीं हूँ। कि उसमें मुझे पता नहीं कि मैं पास हो पाऊंगी या नहीं अच्छी ग्रेड्स ला पाऊँगी नहीं और वो कौन सा सब्जेक्ट है मैथ्स इससे हमें पता चलता है कि एनी फ्रेंड को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था तो और उनके अच्छी ग्रेड्स भी नहीं आती थी मैथ्स में सो so, उसके बाद में वो कहती हैं कि अभी तो है हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि हमने कैसा किया है एग्ज़ाम तो इसलिए वो कहती है अब ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम एक दूसरे को इस तरीके से मोटिवेट करते रहते हैं कि अपने जो है दुखी मत हो और आगे जो है रिजल्ट आने से पता चलेगा कि क्या जो है हमने किया है तो तब तक हमें खुश रहना चाहिए और यही होप करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा नाउ आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स सो फ्रेंड कहती है कि मैं जो है आप फ्रेंड्स की तरह हूँ यानी कि सारे टीचर्स उन्हें जानती हैं और अच्छे से बातें भी करती है एनी फ्रेंक उनसे तो सभी टीचर्स के सामने एनी फ्रेंक एक अच्छे स्टूडेंट है सो देर आर नाइन ऑफ देम सेवन मैन एंड टू वुमेन एनी फ्रेंड बताते हैं कि उनके जो टीचर्स हैं वो टोटल नाइन हैं जिसमें से सेवन है मेल टीचर्स हैं और टू फीमेल टीचर्स हैं अब वो अपने एक टीचर के बारे में बताती है जो कि उन, होते हैं उनके मैथ्स टीचर सो मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगे हु मैथ्स हुज मैथ एट मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बिकॉज आई टोक्ट सो मच सो अब एनी फ्रेंड बताते हैं मिस्टर किसिंग के बारे में जो उनके मैथ्स टीचर होते हैं और वो एक ओल्ड फोगे होते हैं फोगे यानी कि एक ओल्ड फैशन पर्सन जिनकी जो सोच है थोड़ी सी ओल्ड काइंड ऑफ थिंग होती है और एनी फ्रेंड जो है वो मिस्टर किसिंग को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी उनकी जो क्योंकि उन्हें मैथ्स पसंद नहीं था तो ऑब्वियसली टीचर भी पसंद नहीं थे तो इसलिए मिस्टर किसिंग जो है वो हमेशा एनी फ्रेंक पे मैड रहते थे यानी कि एनी फ्रेंक पे हमेशा गुस्सा रहती थी क्योंकि एनी फ्रेंड को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था तो इसलिए वो पूरे दिन उनके पीरियड में बातें करती रहती थी और जब वो बातें करती रहती थी तो मिस्टर किसिंग उन्हें पकड़ लेते थे क्योंकि वो ज़्यादा बोलती थी इसलिए उन्हें एक एक्स्ट्रा होमवर्क भी मिला था सो आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क की बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद भी जब एनी फ्रेंक ने बोलना बंद नहीं किया तो मिस्टर कि सिंह ने उन्हें एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि अब तुम्हें जो है एक एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़े करना पड़ेगा बाकी के होमवर्क के अलावा ना एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट चैप्टर बॉक्स चैप्टर बॉक्स यानी कि वो पर्सन जो बहुत ज्यादा बोलता हो सो आ चैप्टर बॉक्स वट कैन यू राइट अबाउट दैट आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर एंड आई डिसाइडेड आई जोट टू डाउन द असाइनमेंट इन द नोटबुक एंड टक डिट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट सो आईनी फ्रेंड जो है फिर वो सोचने लगे कि एक ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा बोलता हूँ उसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ उन्होंने सोचा लेकिन फिर डिसाइड किया कि ये जो सब जो है मैं बाद में सोचूँगी अभी चुप रहना ही मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि अगर अब अगर मैं ज़्यादा दोबारा से बोली तो मैं दोबारा से पकड़ जाऊँगी और, और, और भी ज़्यादा मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ेगा तो इसलिए उन्होंने असाइनमेंट को बैग में रखा और फिर चुप रहने की कोशिश की नाउ दैट इवनिंग आफ्टर आई हैव फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द एस एट माई तो जैसे एनी फ्रेंड ने घर पर जाकर इवनिंग में अपना होमवर्क किया तभी उन्होंने देखा कि अभी ऐसे का होमवर्क उनका बाकी है तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो उस ऐसे के बारे में क्या लिख सकती हैं सो आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाई एल च्यूइंग द टिप ऑफ द माई फाउंटेन पे एनी वन को ड्रैम्बल ऑन एंड लिव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स टू ट्रिक बट The trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. तो एनी फ्रेंक ने सोचना शुरू किया और जब वो सोच रही थी तो उन्होंने अपने पेन की जो टिप है फाउंटेन पेन की जो टिप है वो अपने मुँह में ले ली और फिर वो सोचने लग गई तो सोचने के बाद सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ जो लोग हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर उन्हें ज़्यादा बड़ा ऐसे मिला हो तो वर्ड्स के बीच में वो ज़्यादा ज़्यादा स्पेस छोड़कर ऐसा लगेगा कि बहुत सारा उन्होंने लिखा है लेकिन लिखा थोड़ा सा ही है लेकिन ऐसा लगेगा कि सारे पेज भर चुके हैं तो उन्होंने अपना जो होमवर्क है असाइनमेंट है वो पूरा कर लिया लेकिन एनी फ्रैंक ने ये ना करके ये सोचा कि मैं कुछ ऐसा लिखूं जिससे मिस्टर किसिंग जो कन्विंस हो जाए यानी कि उनकी बातों में आ जाए और उन मिस्टर किसिंग ये भी मान जाए कि बोलना जो है कितना ज्यादा जरूरी है तो ऐसा कुछ उन्होंने लिखा सो आई रोट थ्री मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड सेटिस्फाइड सो आई आई दैट टोकिंग इज़ अ फीमेल ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू ब्रेक माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टोक एज मच एज आई डिट इफ नॉट मोर एंड देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट द इनहरिटेड ट्रीट तो मिस्टर किसिन जब उन्होंने अपना असाइनमेंट करके पूरा करके दे दिया तो उसके बाद में एनिफ्रेंग बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या उस ऐसे में लिखा था तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है मिस्टर किसिन को कन्विंस करने के लिए मैंने क्या क्या लिखा उसमें क्या क्या बताया कि ट्रोकिंग जो है बोलना जो है वो फ़ीमेल की एक ट्रेट है यानी कि एक क्वालिटी है जिसको आप बदल नहीं सकते हो हर एक वुमेन में वो जो है क्वालिटी होती ही होती है जिसको कोई भी वुमेन चाह भी नहीं रोक पाती है सो एनी फ्रेंड कहती है कि मैं जो है अपनी ट्रोकिंग हैबिट को पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ना बोलूँ क्लास में लेकिन वो जो है उनके कंट्रोल में भी नहीं है क्योंकि ये जो उनकी क्वालिटी है और उनकी मदर भी जो है उतना ही बोलती है जितना एनी फ्रैंक बोलती है तो उनकी जो मदर की जीन्स है वही एनी फ्रैंक में है तो इसलिए वो भी उतनी मद उनकी मदर जितना ही बोलती है तो इसलिए उ, उ, उनकी जो है उसमें कोई भी गलती नहीं है वो कितना भी कोशिश कर ले कि वो ना बोले क्लास में लेकिन फिर भी उन्हें बोलना ही पड़ता है उनकी जो आदत बन गई है बोलने की तब तो वो छुट नहीं सकते क्योंकि वो एक उनकी जीन्स में हो गई है सिंह गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट बट वैन आई प्रोसीड क्लास ने जब यह सुना तो को यह ह्यूमरस लगा फनी लगा तो इसलिए वो लगे तो जैसे ही एनी फ्रेंड वहां से जाने लगे अपना असाइनमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क देकर तब भी मिस्टर किसिंग ने उन्हें दोबारा से रोका और कहा कि एक ओर ऐसे लिखकर लाओ अब उन्होंने एक दोबारा से एक, एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया और इस बार उन्होंने किस टॉपिक पर लिखने को कहा एन इनकोरिजिबल चैटरबॉक्स यानी कि ऐसा एक ऐसी हैबिट एक बोलने की ऐसी हैबिट जो कि कभी भी सुधर नहीं सकती मीन्स आपकी जो है इम्पॉसिबल हो गया कि अब वो जो है बोलने की जो आदत है तो वो कभी छूठी नहीं सकती तो इस टाइटल पे इस टॉपिक पे अब एनी एफ को दोबारा से होमवर्क करना था सो आई हैंडी टेट इन एंड मिस्टर के सिंह है नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल क्लासेस हाउ एवर डूरिंग दर्ड क्लास ही आर फाइनली हार्ड इन एनी Frank as पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन द क्लास राइट an एस एन टाइटल क्वैक 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 Mistress Chatterback चटर so बैक सो मिस्टर किसिंग जैसे ही उन्होंने दोबारा से उन्हें होमवर्क दिया तो एनी फ्रेंड जो बिल्कुल चुप बैठ गई कि अब मैं पहले भी चुप बैठी थी लेकिन फिर भी मुझे दोबारा से पनिशमेंट मिली है कि अब तो मैं थोड़ा सा भी कुछ भी बोलूंगी तो दोबारा से मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क मिल जाएगा तो इसलिए मिस्टर किसिंग को कोई कंप्लेट ही नहीं मिली एनी फ्रेंक के बारे में जब तक उनकी क्लास खत्म नहीं हुई तो इसलिए एनी फ्रेंक बिल्कुल चुपचाप उनकी क्लास में बैठी रही और पढ़ती रही उसके बाद में एनी फ्रैंक ने जो ऐसे लिखा इनकॉरिजेबल चैटरबॉक्स पे उसका उसने उन्होंने टाइटल दिया क्वैक 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 अब वो क्यों दिया वो भी हम आगे देखेंगे कि उसकी स्टोरी क्या है ऐसे की सो द क्लास रोल्ड आई हैड टू लाव टू दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सिस सो एनी फ्रेंक कहती है कि चैटरबॉक्स चैटरबॉक्स के बारे में लिख लिख कर मेरी जो सारी क्लेवरनेस है क्वालिटीज़ जो हैं वो जो है बिल्कुल खत्म हो गई है कि चैटर बुक के बारे में हम कुछ भी नहीं लिख सकती क्योंकि उन्हें दो बार ऐसे लिख दिया है जैसे ही उन्होंने वो ऐसे पूरी क्लास को सुनाया तो सारी क्लास हंसने लग गई और एनी फ्रेंड को भी फिर हंसना पड़ गया देन इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स समथिंग ओरिजिनल माई फ्रेंड सैन हु इज गुड एट पोएट्री और टू हेल्प मी राइट द एस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स सो अब जो है एनी फ्रेंड ने जो क्वैक 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 है वो कैसे लिखा वो बताया है कि अब जो है एनी फ्रेंक को कुछ ऐसा लिखना था जिससे मिस्टर किसिंग बिल्कुल कन्विंस हो जाए कि अब तो है बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और एनी फ्रेंक को उन्हें नहीं डांटना चाहिए तो इसलिए एनी एनी फ्रेंक की जो फ्रेंड है सैन उन्होंने हेल्प की एनी फ्रेंक की ऐसे लिखने में तो सैन जो थी वो पोइट्री में अच्छी थी उन्हें कविताएँ लिखनी आती थी पोइम्स लिखने आती थी तो इसलिए उन्होंने एनी फ्रेंक की भी हेल्प की सैन ने उस ऐसे को लिखने में ना किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद दिस रिडिकलियर सब्जेक्ट बट आई वुड आई हैव मेक श्योर दैट द जॉक वॉज ऑन हिम सो जैसे ही एनी uh, फ्रैंक ने सैन की हेल्प ली और फिर ऐसे लिखा और मिस्टर किसिंग को दिया तो मिस्टर किसिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव लगी वो पोएम तो अच्छी लगी उन्होंने उन्हें वो पोएम सो आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर्स वैन विद थ्री बेबी डक लिंक हुई द फादर बिकॉज इट क्वेक्ट टू मच तो इसमें जो है एनी फ्रेंड कहती है कि उन्होंने जो पोइम लिखी थी वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस थी फ़नी थी और फिर बताती हैं कि उनमें क्या क्या उन्होंने उस पोइम में लिखा था तो वो बताती हैं कि वो जो पोइम थी वो एक मदर डक और एक फ़ादर स्वैन के बारे में थी सो so, उस फादर के फादर स्वैन के तीन बच्चे थे थ्री डकलिंग्स थे थ्री बेबी डकलिंग्स थे लेकिन वो जो डकलिंग्स थे बहुत ज़्यादा क्वैक 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 पूरे दिन मीन्स बोलते रहते थे तो इसलिए फादर स्वैन ने उन्हें जो है मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे तो इसलिए उन्होंने उसे उन्हें मार दिया सो ना लकी ली किसिंग टुक द जोक राइट वे सो जो भी एनी फ्रेंक ने लिखा मिस्टर किसिंग ने वो एक अच्छे वे में लिया एक राइट वे में लिया यानी कि एक फ़नी वे में ही लिया उन्होंने ज़्यादा उस बात को सीरियस नहीं लिया जिससे जो है मिस्टर किसिंग और एनी फ्रेंक की जो फ्रेंडशिप है वो और जो है बन गई थी अब जो है मिस्टर किसिंग ने एनी फ्रेंक को जो है बार बार में डांटना बंद कर दिया और एक्स्ट्रा असाइनमेंट देना भी बंद कर दिया क्योंकि अब जो है एनी फ्रैंक और मिस्टर किसिंग के, के बीच में एक रिलेशन बन गया था एक टीचर और स्टूडेंट का एक अच्छा रिलेशन जिस तरीके से दूसरी टीचर्स के साथ वो फ्रेंडली हो गई थी उसी तरीके से मिस्टर किसिंग के साथ भी वो फ्रेंडली बन चुकी थी क्योंकि उन्होंने एक अच्छी पोइम लिखी थी जिससे वो बहुत ही ज़्यादा फनी पोइम थी सो मिस्टर किसिंग वो पोएम लास्ट में यही लिखा है कि मिस्टर किसिन को वो पोएम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने पूरी क्लास को वो उस पोएम को पढ़कर सुनाया साथ में अपने पॉइंट्स भी रखे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज भी उस पोइम पे रखी और सिर्फ उनकी क्लास में ही नहीं बाकी की क्लास में क्लासेज में जाकर भी एनी फ्रेंक की पोइम जो है वो सभी के सामने पढ़ी थी तो इस तरीके से जो है मिस्टर किसिंग और एनी फ्रेंक में फ्रेंडशिप हो जाती है एक टीचर और स्टूडेंट वाली और इस तरीके से बाद में उन्हें होमवर्क नहीं मिलता है सो योर्स एनी सो इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है एंड आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू एंड इफ यू वॉन्ट द पार्ट वन सो सै है लिंक ऑफ दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल